अच्छा, हम किसी भी फंक्शन को अपना स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ग्लोबल बना हो तब भी किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर बना हो तो हम उस फंक्शन के अंदर अगर किसी और फंक्शन को कॉल करें तो भी उसे स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। स्ट्रक्चर थ्रू फंक्शन यही है कि आप किसी फंक्शन को स्ट्रक्चर पास करें। हमने देखा था हम जो भी वैल्यू पास करते हैं किसी भी फंक्शन को, वो या तो पास बाय वैल्यू होती है या फिर पास बाय रेफरेंस होती है। एक स्ट्रक्चर पास बाय वैल्यू अगर पास हो रहा है तो उसकी कॉपी जा रही है, और पास बाय रेफरेंस हो रहा था वो ओरिजिनल जा रहा है। जो एक नॉर्मल वेरिएबल के लिए रूल है वही इसके लिए रूल है, क्योंकि इसका वेरिएबल बना के ही हमने पास करना है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक प्रिंट का मेथड है जो एक स्ट्रक्ट, ये मैंने बता दिया कि स्ट्रक्ट का कीवर्ड हर केस में नहीं है, लगाएं तो भी ठीक है ना लगाएं तो भी ठीक है, कुछ जगहों पे मसला आएगा कुछ कंपाइलर्स में जो कहेंगे स्ट्रक्ट लगाएं, वरना कोई कुछ सिंपल आप लिख सकते हैं स्टूडेंट एस। तो ये एक स्टूडेंट टाइप का एस वेरिएबल अपने पास रिसीव कर रहा है, जो भी एस वेरिएबल अपने पास रिसीव कर रहा है एस डॉट आई डी उसके पास एक डेटा मेंबर है आई डी का, उसे प्रिंट करवा रहा है। एस डॉट नेम एक डेटा मेंबर है नेम नाम का, उसे प्रिंट करवा रहा है, इसके पास यही है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं और बना है और यहाँ पास होकर आया है। यहाँ मेन में क्या कह रहे हैं, हम स्ट्रक्चर टाइप का एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट एस बना लें। ये याद रखिएगा, इसे पहले मैं बता चुकी हूँ, अब पास करेंगे तो कॉपी बनेगी, तो यहाँ और यहाँ नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो एक नई कॉपी बन रही है, नई कॉपी का नाम कुछ भी हो सकता है, टाइप सेम होना ज़रूरी है कि इसकी टाइप की वैल्यू यहाँ आई है उसकी कॉपी बने। खैर, मेन में सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, देखेगा एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनना है एस, वो स्ट्रक्चर क्या एग्जिस्ट करता है, यस एक ग्लोबल स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना दें एस। कह रहे हैं एस डॉट आई डी की वैल्यू आप दे दें 10, हम उसे एक वैल्यू साइन कर रहे हैं, नेम को वैल्यू साइन करें एक्स वाई जेड, तो इसके जो भी दो डेटा मेंबर हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए एस के लिए उनकी वैल्यू साइन हो गई है। अब मैं डिस्प्ले का एक फंक्शन है, सॉरी डिस्प्ले नहीं, प्रिंट नाम का ऊपर बनाया है, तो जो नाम ऊपर है वही नाम आपको यूज़ करना है, प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, इस प्रिंट वाले फंक्शन को पास कर दिया एस। जब आप वेरिएबल को कोई स्ट्रक्चर पास कर रहे हो या एरे पास कर रहे हो, दोनों के लिए यही रूल है, आपको डेटा टाइप साथ नहीं बतानी। मैंने यहाँ पास करते वक्त नहीं लिखना कि स्ट्रक स्टूडेंट एस है या खाली स्टूडेंट एस है, नो, सिर्फ एस नाम भेज दें। कोई वेरिएबल भी अगर हम पास करें तो हम नहीं लिख रहे थे कि इंटीजर ए पास हो रहा है, हम वैल्यू पास करते वक्त सिर्फ क्या लिख रहे थे, ए पास हो रहा है। ऐसे यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, एस एक वेरिएबल पास हो रहा है। क्यों, इसका रीजन बता दिया था कि इसी के स्कोप में स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको पता है कि जब ये जो एस वेरिएबल की बात हो रही है ये ऊपर जो डिक्लेयर हुआ उसी की बात हो रही है, लेकिन जब पास होकर यहाँ पर आएगा तो रिसीव करने वाले के स्कोप में तो नहीं बना, इसको नहीं पता कि ये कहाँ है, मेन के अंदर क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर की हुई सारी इसको नहीं दिखनी। तो यहाँ बताना है कि स्टूडेंट टाइप का एस आपके पास आ रहा है, उसकी सिंपली क्या कर रहा है, वैल्यूज को क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है। डिस्प्ले करवाएं या चेंज करवाएं या कुछ और जो भी टास्क करना है, वैल्यू पास कैसे करते हैं, आप सिर्फ नाम लिख दिए स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर पूरा यहाँ रिसीव करते वक्त आप टाइप भी बताएं कि स्टूडेंट टाइप का आ रहा है, वेरिएबल सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे इसके अंदर। लेकिन यहाँ अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू मैं चेंज करती हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ एस डॉट आई डी इज इक्वल टू 10 या 101, तो यहाँ मैंने लिख दी 101, तो मेन वाले एस की 10 ही रहेगी, ये 101 सिर्फ इसके लिए हुई है क्योंकि ये पास होकर कॉपी इसकी यहाँ आई है, ये पास बाय वैल्यू है, पास बाय रेफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यूज कॉपी होकर यहाँ आ रही हैं, इन एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं आ रहा। हम वेरिएबल में भी ये डिफरेंस पढ़ चुके हैं। सेकेंड, हमारे पास पास करने का क्या तरीका है, पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस है तो मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक मेथड है जो रिसीव कर रहा है, मेन में क्या है, एक स्टूडेंट का एस ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी एक आईडी है 5 और नेम है एक्स वाई जेड। मैंने स्ट्रक्चर को कर दिया पास, की लाइन मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पास बाय रेफरेंस में इसको बता चुकी हूँ। डिस्प्ले में हमने वेरिएबल में सिर्फ एस क्यों लिखा है इसको बता चुकी हूँ, यहाँ पे टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, रिसीव करते वक्त टाइप बताने की जरूरत होती है, हमने रिसीव करते वक्त स्टूडेंट बताया है। अच्छा, हमने जो देखा था, हमने वहाँ पे एड्रेस ऑफ का साइन लगाया था, पास बाय रेफरेंस में चाहे वो यूज़ कर लें या स्टैरिक यूज़ कर लें, एक ही बात है, स्टैरिक पॉइंटर है, इसका मतलब यही है कि आप एक्चुअल एड्रेस उठाएं, तो ये क्या करेगा, आपके पास एक्चुअल स्टैरिक एस क्या करेगा, ये अब कॉपी नहीं बनाने देगा, इसको पता है मेमोरी में जो यहाँ पर एस बना है उस एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस करना है मुझे, ये एक्चुअली एस उठाएगा, हमने सिंपल एक्चुअल वाली वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। अब अगर मैं यहाँ कर दूँ एस डॉट आई डी इक्वल टू 101, तो ये 101 यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस हो रहा है, अब ये 5 नहीं रहेगा, ये 101 हो जाएगा क्योंकि मैंने पास बाय रेफरेंस किया, एक्चुअल एस को जाके एक्सेस किया है। तो पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का यही डिफरेंस था कि एक में सिर्फ वैल्यूज कॉपी होकर जा रही थी और एक में एक्चुअल का रेफरेंस जा रहा है, तो उस रेफरेंस में जाके वो चेंजिंग भी करेगा। फिल वक्त डिस्प्ले का फंक्शन है, इसमें कोई चेंजिंग की ही नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को डिस्प्ले किया, तो ये नॉर्मल वैल्यूज को डिस्प्ले करके खत्म हो जाएगी फंक्शन की बॉडी। ये क्या है, स्ट्रक्चर्स टू फंक्शंस, क्या आप फंक्शंस को भी स्ट्रक्चर्स पास कर सकते हैं, पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस को पास करना, कॉपी करना, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ये तमाम चीज़ें हम स्ट्रक्चर की अपने पास कवर कर चुके हैं।